हेलो गाइस, मेरा नाम है रिंकी। गुड मॉर्निंग। आज मैं बात कर रही हूँ मोदी केयर के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट स्पीक एंड स्पैन की। ये क्या काम करता है? ये हमारे नलके के ऊपर के जो छार होते हैं, गंदगी होती है, छार होते हैं, तावे के बर्तन होते हैं जो हरे पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, ऐसे लाल हो जाते हैं, ये देखो ये, ठीक है, इनको बहुत ईजली तरीके से साफ़ कर देता है। पीतल के बर्तनों को भी ये बहुत अच्छे से साफ़ कर सकता है, है ना। और इसको साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप स्पीक एंड स्पैन यूज़ करें, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ़ करता है, बहुत आसानी से। इससे आपके हाथों को भी कोई हार्श नहीं होता है, है ना। तो मैं एक डेमो के थ्रू आपको बताती हूँ कि इससे हम कैसे साफ़ कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए, मेरे पास ये है तांबे की प्लेट जो मैंने अभी दिखाई थी। अब मैं इसको खोलती हूँ, और इसको खोल करके थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लूँगी, आप देख सकते हैं, बस थोड़ा सा ही मैंने इस पे डाला है। और ये कॉटन है, कॉटन से मैं इसको इजीली इसको साफ कर देती हूँ। ये देखिए, हल्के हाथ से ही मैं इसको साफ कर रही हूँ। देखिए ये साफ होने लगा है। देखिए ये, देखिए ये, देखिए इसको हम लगातार इसको आसानी से बहुत हल्के हाथों से इसको रगड़ते रहेंगे, और बहुत ईजी तरीके से ये एकदम साफ हो जाता है। ये देखिए, अभी मैं आपको इसको आधी ही करके दिखा रही हूँ ताकि आपको फर्क पता चल जाए कि इसमें कितनी आसानी से और कितने थोड़े समय में ये बहुत जल्दी बहुत साफ़ हो जाता है। ये देखिए आप, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साफ़ हो गया है, ये साफ़ नहीं हुआ है, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है हमारे घर के नलकों के लिए साफ़ करने के लिए, और ये हमारे तांबे के पीतल के बर्तन साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है। देखिए कॉटन भी कितना काला हो गया ना। ये देखिए कितना ईजिली मेरा बर्तन साफ़ हो गया। ये थाली है, ये प्लेट पूजा करने की थाली है। अब इसको मैं इसको पानी से साफ़ कर दूँगी। इसको पानी से साफ़ कर देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें इसके निशान पड़ जाते हैं, इसलिए पानी से मैंने इसको साफ़ कर दिया है अच्छे से। ये देखिए, अब मैं इसको पोंछ देती हूँ। ये देखिए एकदम चमक गया है ये बर्तन, थोड़ी ही देर में, बहुत ही इंस्टेंटली, है ना। तो ये है ना वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट। इसके बारे में, स्पीक एंड स्पैन के बारे में कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।